हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 28 ऑफ माय हिस्ट्री क्लास। और आज की क्लास में हम मिक्सचर क्वेश्चंस करेंगे, अलग अलग इराज के अलग अलग टाइम्स के हम क्वेश्चंस मिक्स करेंगे। कुछ एक वर्ल्ड हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस इसके अंदर होंगे, तो ये कोई स्पेसिफिक टॉपिक के लिए नहीं है, अब सारा आपका मिक्स चलेगा आपसे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन, द इंडस वैली पीपल वेनरेटेड द, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? ए बुल, बी ईगल, सी काओ या डी गरुड़। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, देखिए गाय तो आपके एरियंस के लिए पवित्र थी, गाय की आपको कोई भी सील्स नहीं मिलेंगी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, मैं आपको ये बता चुका हूं अपने इनिशियल वीडियोस के अंदर। इसके अंदर आपका मेन है आंसर बुल, ये जो हम बैग्ड बुल है ये काफी आपको इसमें काफी सील्स के अंदर मिलेगा, रिकर होता है कई सारी थीम्स रिचुअल्स के अंदर, इनके डेकोरेटिव आर्ट्स में, मोटिव्स में, सील्स के अंदर, जिससे कि फिर ये माना जाता है कि ये इसको वेनरेट करते थे, वंदित करते थे। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट खलीफा, पहले खलीफा कौन थे? ए सुलेमान द ग्रेट, बी अबू बकर, सी इमाम हुसैन या डी कॉन्स्टेंटीन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका अबू बकर। जो ये अबू बकर थे ये आपके प्रॉफेट साहब जो थे, प्रॉफेट मोहम्मद, इनके सीनियर कंपेनियन यानी कि सहाबी थे और इनके फादर इन लॉ भी थे। इन्होंने राशिदुन कैलिफेट को रूल किया 632 से लेकर 634 BC तक, ठीक है, प्रॉफेट साहब की डेथ के बाद। लेकिन इन्होंने खाली ये एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल फंक्शंस ही संभाले जो कि प्रॉफिट साहब पहले संभाल रहे थे, रिलीजियस फंक्शंस जो प्रॉफिट साहब जो संभालते थे वो रिलीजियस अथॉरिटी इनके पास नहीं थी, क्योंकि रिलीजियस अथॉरिटी प्रॉफिट साहब की डेथ के बाद अकॉर्डिंग टू इस्लाम खत्म हो जाती है और किसी को नहीं मिलती है। तो इनको खाली पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज ही मिली थी और इनको कहा गया अल सिद्दीक। अल सिद्दीक का मतलब है द ट्रुथफुल। नेक्स्ट, द रीजन ऑफ आइकनम इन बैक्टीरिया हैज यील्डेड द इमेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कुशान किंग्स। बैक्टीरिया में एक हनम के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस कुशान शासक की प्रतिमा पाई गई है? यहां पे किंग्स आएगा एक, तो ये इंग्लिश बहुत बेकार है। ए कनिष्क, बी हुविश्क, सी कजोला कैडेफिसिस या डी वीमा कैडेफिसिस। तो आपको ध्यान होगा कजोला कैडेफिसिस वॉज द फाउंडर ऑफ कुशान डायनेस्टी, ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था। और ये कनिष्क आपका सबसे फेमस जो रूलर ऑल्सो नोन एज सेकेंड अशोका, कनिष्क की ही आपको वहां पे मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच कंट्री इज करबला द होली सिटी ऑफ शिया मुस्लिम्स लोकेटेड। शिया मुसलमानों का पवित्र शहर करबला किस देश में है? ए ईरान, बी इराक, सी जॉर्डन, डी सीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी इराक। इराक के करबला के अंदर 680 AD के अंदर, ठीक है, 680 AD या फिर आजकल लिखा जाता है CE, इसके अंदर करबला का युद्ध हुआ था जहां पे आपके ये हुसैन इब्न अली जिन्हें हम इमाम हुसैन भी कहते हैं ये शहीद हो गए थे, इन्होंने शहादत पाई थी। तो इनकी शहादत को कमेमोरेट करने के लिए वहां पे एक श्राइन भी है, इमाम हुसैन श्राइन करबला के अंदर। तो ये करबला ये वन ऑफ द होली सिटीज है शिया मुस्लिम्स के लिए आफ्टर मक्का एंड मदीना, तो शिया मुस्लिम्स के लिए ही ये सेक्रेट माना जाता है, लेकिन ठीक है। नेक्स्ट, द टर्म द्रविडियन रेफर्स टू अ स्ट्रेटम ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हु कैन बी क्लासिफाइड एज। द्रविड शब्द भारतीय आबादी के एक वर्ग को दर्शाता है जिन्हें किसके रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? ए प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, बी ए एल्पाइन यानी पहाड़ी, सी पैलियो मेडिटेरेनियन या डी ऑल ऑफ दीज। तो पैलियो का मतलब होता है पुराना, तो आपका करेक्ट आंसर है वैसे पैलियो मेडिटेरेनियन। ये आपके जो मेडिटेरेनियन से जो आए थी रेस उसमें से सबसे पहले ये लोग थे। इनके फीचर्स, बॉडीली फीचर्स क्या थे? ये मीडियम हाइट के होते थे, ये डार्क स्किन्ड होते थे, वेल बिल्ड बॉडी होती थी, अच्छे हट्टे कट्टे होते थे, इनका लंबा सिर होता था। तो ये इनकी आपको जो है बॉडीली फीचर्स थे। और ये बाद में जो इनके बाद में ग्रुप आया मोस्ट प्रोबेबली एरियंस का, इन्होंने एरियंस ने क्या किया कि इन्हें सेंट्रल और साउथ इंडिया के उधर फिर इन्हें धकेल दिया। तो एट प्रेजेंट जो ये पैलियो मेडिटेरेनियंस हैं, जो द्रविडियंस, ये आपको कहां पे मिलेंगे? साउथ इंडिया को लार्जली पॉपुलेट करते हुए मिलेंगे मेनली, और हाँ लेकिन नॉर्थ इंडिया में भी ये काफी ज्यादा पाए जाते हैं। द सिटी ऑफ ताशकंद इज लोकेटेड इन, ताशकंद शहर कहां पे है? ए उज्बेकिस्तान, बी कजाकिस्तान, सी रशिया या डी किर्गिस्तान। तो देखिए कल ही मैंने आपको बता दिया था उज्बेकिस्तान के अंदर ताशकंद, ताशकंद के अंदर अपना ताशकंद समझौता हुआ था कब, 10 जनवरी 1966 को, किस लिए? ये इंडो पाक वॉर जो 1965 के अंदर हुआ था उसको ये एंड करने के लिए वहां पर पीस ट्रीटी हुई थी, ठीक है। किन किन ने साइन किए थे? अपने प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे उधर, पाकिस्तानी प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान प्रेसिडेंट, ध्यान रखिएगा,
नॉट अ प्राइम मिनिस्टर। तो इन्होंने साइन किया था अपने, फिर शास्त्री जी की बाद में वहां पे डेथ भी हो गई थी हार्ट अटैक से। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन इन्वेजन वारंगल वॉज रूल्ड बाय, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किसका शासन था? ए यादव डायनेस्टी, डी चोल डायनेस्टी, सी चालुक्य डायनेस्टी या डी काकातीय डायनेस्टी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका काकातीय डायनेस्टी। ये काकातीय डायनेस्टी ने रूल किया था, राजा था रुद्रदेव। रुद्रदेव ने मलिक काफूर के सामने सरेंडर कर दिया और काफी सारी इसे पैसे पासे हथी उथी और भी दिए थे। मलिक काफूर आपको ध्यान ही वॉज द इनंस जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, साउथ के कॉन्क्वेस्ट में यही गया था मलिक काफूर। मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात से लिया था, जब गुजरात का कॉन्क्वेस्ट किया था तो वहीं से मलिक काफूर को लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूएस्ट रिलीजन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नया धर्म है? शिंतोइज्म, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, इस्लाम या ताओइज्म। तो इसमें आप देखेंगे बाकी सारे तो सारे के सारे क्रिश्चियनिटी से पहले के, ये क्रिश्चियनिटी के बाद का है इस्लाम। तो आपका ये है करेक्ट आंसर इस्लाम। ये 622 AD में हुआ था, शिंतोइज्म आपका 300 BCE में हुआ था, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म 600 BCE में और ताओइज्म 400 BCE में। ठीक है, तीनों BCE के अंदर है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग अपधर्म मेंशनड इन द स्मृतिज, अपधर्म जिसका उल्लेख स्मृतियों में है उसके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अच्छा, पिछले क्वेश्चन में जो मैंने बताए हैं जो आपको ईयर्स, वो बेसिकली उनके अर्लीस्ट रूट्स कब मिल जाएंगे वो मैंने बताए हैं आपको। हो सकता है कि ये इस ईयर के अंदर फाउंड हुआ, वेरिंग डेट्स मिल जाती है रिलीजन्स की, लेकिन अर्लीस्ट नोन रूट्स इनकी कब मिलती है वो वाली डेट्स मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। आप धर्म जिसका उल्लेख स्मृतियों में है उसके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इट वॉज परमिटेड ओनली इन द क्षत्रियज, इसकी अनुमति केवल क्षत्रियों में थी। इट मीन्स डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटीज का अर्थ कर्तव्यों का त्यागना है। इट मीन्स स्पेशल सेक्रीफाइस इज डन बाय ब्राह्मण्स फॉर द किंग्स, इसका अर्थ राजाओं के लिए ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया विशेष बलिदान है। या इट मीन्स ड्यूटीज परमिटेड टू डिफरेंट वर्नाज एट टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस, इसका आशय आपदा के समय उन कर्तव्यों से है जिनकी विभिन्न वर्णों में अनुमति दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इट मीन्स ड्यूटीज परमिटेड टू डिफरेंट वर्नाज एट टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। इसके अपधर्म का मतलब होता है कंडक्ट परमिटेड ड्यूरिंग कैलेमिटीज, जो आपके जो कोई भी आपकी कैलेमिटीज आती हैं उसके ड्यूरिंग क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या काम की अनुमति है, उसको कहते हैं आप अपधर्म। ठीक है, तो आपको पता है ये चारों वर्ण के लोगों को अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई थी, लेकिन कोई कैलेमिटी होती है जैसे कि कोई युद्ध हो रहा है, बाढ़ आ रही है, अकाल पड़ रहा है या फिर कोई सोशल फैब्रिक डिस्टर्ब्ड हो जाता है किसी भी कारण से, ठीक है, कोई भी क्राइसिस, इंडिविजुअल क्राइसिस भी हो सकती है, तो उस इंडिविजुअल क्राइसिस के टाइम कोई स्ट्रिक्टली पॉसिबल ये नहीं कर पाता है फॉलो जो आपकी ड्यूटी असाइंड है आपके वर्ण को, तो ऐसे पीरियड के अंदर धर्मशास्त्र कहता है कि कोई भी इंसान बाकी जो वर्ण है उनका काम कर सकता है एज एन इमरजेंसी मेजर ताकि वो जीवित रह सके। ठीक है, तो वो है आपका अपधर्म। नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स फर्स्ट ड्रेनेज सिस्टम वॉज बिल्ट बाय द पीपल ऑफ, विश्व की पहली जल निकासी प्रणाली किसके लोगों के द्वारा निर्मित की गई थी? ए इजिप्टियन सिविलाइजेशन, बी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सी चाइनीज सिविलाइजेशन या डी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों में आपके घरों में क्या मिलेंगे? मल्टी स्टोरेड हाउसेस, ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था, ठीक है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, पक्के ईंटों से घर बने होते थे, रोड्स थी, तो ये सिविलाइजेशन काफी एडवांस था, यहां तक इनकी ड्रेन स्लैब से कवर्ड भी थी। ठीक है, घरों से पानी नालियों में जाता था, बाद में ये मैनहोल्स भी होते थे रेगुलर इंटरवल्स के अंदर, उनकी क्लीनिंग भी होती थी ड्रेन्स की, ये भी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, कई जगहों पे आपको सिल्ट वगैरह मिल जाती है ड्रेन्स के पास, तो ऐसा लगता था क्लीनिंग हुए बाद, ऐसा नहीं है कि हर बार वहां पे से उठा लिया जाता था कचरा। द बैटल ऑफ कोपन वॉज फॉट बिटवीन, कोपन का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ए वेस्टर्न चालुक्यज एंड पलवाज, बी द वेस्टर्न चालुक्यज एंड चोलाज, सी द पांड्याज एंड द रूलर्स ऑफ सेलोन यानी श्रीलंका, या डी द चोलाज एंड द होयसलास। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका पश्चिमी चालुक्य तथा चोल, ऑप्शन नंबर बी। तो ये बैटल ऑफ कोपम था, ये किस किस के बीच में लड़ा गया था? ये चोल राजा राजाधिराज चोल और राजेंद्र चोल सेकंड, इन्होंने लड़ा किसके खिलाफ? चालुक्य किंग सोमेश्वर वन के खिलाफ 1054 AD के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट,
हु वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एट द टाइम ऑफ लिबरेशन ऑफ चाइना, चीन की स्वतंत्रता के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ए झोउ एनलाई, बी डेंग जियोपिंग, सी माओ जेडोंग या डी लियू शिकाओई शाओकी। एक तो ये नेम्स जो चाइनीज लेने बहुत डिफिकल्ट होते हैं, और जो भी ये नेम्स बोले हैं ना, मेरी गारंटी है ये इनके प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं है, आप इनको प्रॉपरली प्रोनाउंस कर नहीं सकते इंग्लिश के अंदर, वर्ड्स ही नहीं मिलते हैं वो आपको ऐसे, ठीक है। तो वैसे इसका करेक्ट आंसर है माओ, माओ थे आपके कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरपर्सन एट द लिबरेशन ऑफ चाइना। ये चाइनीज सिविल वॉर आपका स्टार्ट हुआ था 1927 में, ठीक है। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने लीड किया था, माओ उस टाइम लीडर थे, और ये चला आपका 1949 तक था। इससे इन्होंने था एस्टैब्लिश किया था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। क्या एस्टैब्लिश हुआ था? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी। ये मैंने आपको कल ही बताया था, चाइना इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और इन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना को ताइवान के आइलैंड पे मतलब रिट्रीट करने के लिए फोर्स कर दिया। रिपब्लिक ऑफ चाइना इज ताइवान, कल ही मैंने आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर एंडेड विद द साइनिंग ऑफ द, पहला एंग्लो बर्मी युद्ध किसके हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ? ए ट्रीटी ऑफ यंदाबो, बी ट्रीटी ऑफ टिटालिया, सी ट्रीटी ऑफ पुरंदर या डी ट्रीटी ऑफ सालबाई। ये दो ट्रीटीज आपको पता है, आपने सुनी भी हुई है, बताने की जरूरत नहीं होगी, और ट्रीटीज के बारे में आगे से करा दूंगा। आपका करेक्ट आंसर है ए ट्रीटी ऑफ यंदाबो। ट्रीटी ऑफ यंदाबो की जो पीस ट्रीटी थी, ये फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर के बाद हुई थी। ट्रीटी को साइन किया गया था 1826 के अंदर, ठीक है। एंग्लो बर्मीज वॉर स्टार्ट हुआ था 1824 में। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर की आपको डेट याद रखनी है 1824, ठीक है। ट्रीटी ऑफ यंदाबो आपका 1826 के अंदर साइन हुई थी, ये चीजें याद रहेंगी। अच्छा, ट्रीटी ऑफ टिटालिया का आपने नाम नहीं सुना होगा। ट्रीटी ऑफ टिटालिया साइन की गई थी जो कि सिक्किम का जो किंग थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ठीक है। कौन सी? ट्रीटी ऑफ टिटालिया, सिक्किम के किंग और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। पैकिंग इज द सैक्रेड प्लेस ऑफ, पैकिंग किसका पवित्र स्थल है? पैकिंग यानी मॉडर्न डे बीजिंग, ठीक है। देखें, ए टाओइज्म, बी शिंटोइज्म, सी कन्फ्यूशियनिज्म या डी जुडाइज्म। तो आपको पता है चाइना में ये मेन ये कन्फ्यूशियनिज्म जो है रिलीजन चलता है, तो ये उनकी आपकी सैक्रेड प्लेस है कन्फ्यूशियनिज्म, ठीक है। ये कन्फ्यूशियस ने आपको फाउंड किया था, कन्फ्यूशियस का नाम था किंग फूसू, ठीक है। कब फाउंड हुआ था? 500 BC के अंदर कन्फ्यूशियसिज्म, ठीक है, 500 BC। इनका सैक्रेड टेक्स्ट क्या है? द एनालेक्ट्स, द एनालेक्ट्स आर द सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ कन्फ्यूशियनिज्म, ध्यान रखना है। कन्फ्यूशियनिज्म का सैक्रेड टेक्स्ट है एनालेक्ट्स। अ बिल इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर कंपल्सरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लिए शाही विधान परिषद में किसके द्वारा एक विधेयक लाया गया? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी मैकेले, सी मोहम्मद शफी, डी शंकरन नायर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपने गोपाल कृष्ण गोखले। जो गोपाल कृष्ण गोखले, ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1911 में ये बिल लेके आए थे ताकि इंप्लीमेंट हो सके कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 10 ईयर्स ऑफ एज, 6 से 10 साल के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन मिले, इसके लिए बिल लेके आए 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले। ईयर आपको याद रखना है, 1911 के अंदर बिल इंट्रोड्यूस हुआ था। डेप्थ के अंदर ईयर पूछ लेते हैं। On which side did Japan fight in the First World War? प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसके पक्ष से लड़ा? A. None, it was neutral. B. With Germany against United Kingdom. C. Against Russia on its own. या D. With United Kingdom against Germany. तो देखिए, अगर जर्मनी के साथ लड़ता, के साथ यूनाइटेड किंगडम के विरुद्ध लड़ता, तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनता। ये क्वेश्चन बना है मतलब इसने उल्टा ही काम किया था पहले, मतलब जस्ट ऑपोजिट काम किया था। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विद यूनाइटेड किंगडम अगेंस्ट जर्मनी, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर आपने देखेंगे सारे दुनिया की ग्रेट पावर्स हैं, इन्होंने दो ओपोजिंग अलायंसेस बना लिए थे। पहले तो द एलाइड फोर्सेस थी, ठीक है, ये तिगड़ी किस किस की थी? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रशिया की। और दूसरी थी सेंट्रल पावर्स, ये तिगड़ी थी आपके जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली की, ठीक है। इसके अंदर फिर अलायंसिस के अंदर और भी नए लोग जुड़े, जैसे इटली, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स एलाइज के साथ जुड़ गए, और ऑटोमन एम्पायर जो कि मतलब कि टर्की हो गया, बल्गेरिया और ये सेंट्रल पावर्स, ये जुड़ गए आपके मतलब ऑटोमन एम्पायर और बल्गेरिया, ये जुड़ गए आपके सेंट्रल पावर्स के साथ, ठीक है।
तो किस किस ने आपको एलाइड पावर्स के साथ ज्वाइन किया? इटली, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और ऑटोमन एम्पायर एंड बल्गेरिया ने ज्वाइन किया सेंट्रल पावर्स को। सेंट्रल पावर्स जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली था, और आपके एलाइड फोर्सेस थी यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रशिया। नेक्स्ट, द मदर ऑफ महात्मा गांधी वॉज, महात्मा गांधी की माता जी कौन थी? ए पुतलीबाई, बी हीराबाई, सी कमलाबाई या डी कस्तूरबाई? तो इसका करेक्ट आंसर है, कस्तूरबाई तो इनकी वाइफ थी, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पुतलीबाई। जो पुतलीबाई थी ये महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी की फोर्थ वाइफ थी। तो क्या था, इनकी जो पहली दो जो वाइफ थी वो जवान उम्र में ही उनकी मृत्यु होगी, उनका देहांत हो गया, और थर्ड जो इनकी मैरिज हुई करमचंद गांधी की, इट वॉज अ चाइल्डलेस मैरिज। ठीक है, तो इन्होंने फिर करमचंद गांधी ने अपनी थर्ड वाइफ से परमिशन मांगी क्या मैं फोर्थ मैरिज करूं, तो ये फोर्थ मैरिज इन्होंने पुतलीबाई से की थी। और इनके करमचंद की फर्स्ट टू वाइफ्स थी, उनसे इनको दोनों से एक एक बेटी भी हुई थी। ठीक है, और करमचंद जो थे और इनकी पुतलीबाई के इनके तीन बच्चे हुए थे। ठीक है, आई मीन तीन बच्चे और हुए थे गांधी जी के अलावा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश का एक उपनिवेश था? ए डच, बी स्पेन, सी पोर्चुगल या डी बेल्जियम? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए डच। तो इंडोनेशिया वॉज अ डच कॉलोनी। ठीक है, इसका नाम था डच ईस्ट इंडीज, ये डच कॉलोनी था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ये मॉडर्न डे इंडोनेशिया बन गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद इज अवेलेबल इन, 16 महाजनपदों की सूची इनमें से किसके अंदर उपलब्ध है? ए चंदोगे उपनिषद, बी महाभारत, सी संयुक्त निकाय या डी अंगुत्तर निकाय? ये मैंने आपको ध्यान होगा इनिशियल वीडियोस के अंदर डिटेल्स के अंदर बताया था, ये आपको मिलेगा अंगुत्तर निकाय। ये डिटेल्स के अंदर आपको ध्यान, इनिशियली मैं शायद डिटेल्स देता था उसके अंदर बताया था, या क्वेश्चंस के अंदर डिटेल्स में कितने मैंने बताया था, मेरे इनिशियल वीडियोस जब थे, ठीक है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर ये मैंने बताया था, अंगुत्तर निकाय के अंदर मिलते हैं। ये अंगुत्तर निकाय बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ये अंगुत्तर निकाय किसके अंदर मिलेगा आपको? सुत्तपिटक के अंदर मिलता है। ठीक है, आपको ध्यान है त्रिपिटक है ये बुद्धिज्म के जो मतलब अच्छे इसके इनके धार्मिक ग्रंथ हैं, तो उसमें से सुत्तपिटक के अंदर आपको मिलेगा अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज बिल्ट बाय, चीन की दीवार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ली ताइपू, शी हुआंगसी, सी लाओसे या डी कन्फ्यूशियस? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका शी हुआंगटी, ऑप्शन नंबर बी। तो शी वांगटी ये थे, ये फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने पूरे पूरे चाइना को यूनिफाई किया था, ये 259 से लेकर 210 बीसी तक चले थे। तो इन्होंने एक मेजर प्रोजेक्ट जो किया था वो किया था कि यूनिफाई किया सारी की सारी, ये जो डाइवर्स जो वॉल्स थी ये जो सारी किंगडम्स की, उनको एक यूनिफाई करके एक सिंगल ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाया, और एक नया नेशनल रोड सिस्टम लेके आए, और ये सिटी साइज्ड मैसूलियम ये बना एक काफी बड़ा, जिसके अंदर आपको ध्यान है टेराकोटा के आदमी होंगे, अपने ये द मूवी मी पार्ट 3 मूवी थी उसके अंदर भी आप लोगों ने शायद ऐसा देखा होगा कि किंग के ये टेराकोटा आर्मी, इतने सारे वो टेराकोटा फिगर्स हैं जो खड़े हैं गार्ड कर रहे हैं, तो वो वाला ये सारे सारे काम किन्होंने कराए थे? शी हुआंगटी ने। नेक्स्ट, पुरुष सूक्त इज फाउंड इन, पुरुष सूक्त किसमें पाया जाता है? ए ऋग्वेद, बी मनुस्मृति, सी भगवत गीता या डी अथर्ववेद? तो पुरुष सूक्त आपको मिलेगा ऋग्वेद के अंदर। अच्छा, ऋग्वेद के अंदर ये आपको मिलता है नासाध्य सूक्त। ये पुरुष सूक्त कौन सी है? हिम 10.90 आपके ऋग्वेद की। इट इज डेडिकेटेड टू पुरुष द कॉस्मिक बीइंग। और नासाध्य सूक्त है आपका सॉन्ग ऑफ क्रिएशन। नासाध्य सूक्त आपको ध्यान होगा भारत एक खोज आता था, श्याम बेनेगल ने बनाया था भारत एक खोज, जिसने कि जो कि बना था पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के ऊपर, उसका टाइटल सॉन्ग था नासाध्य सूक्त। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं था, आसमां भी नहीं, इस टाइप की इसकी लिरिक्स थी। तो ये क्योंकि इस बुक के अंदर नेहरू जी ने इसका जिक्र किया हुआ था कि अहमदनगर फोर्ट के अंदर ये लाइंस मेरे की दिमाग में ये चलती रहती हैं, तो इसलिए इसका टाइटल सॉन्ग रखा गया था। तो भारत एक खोज अच्छा शो था, क्वेश्चन बन सकता है
कि इसको किसने डायरेक्ट किया था, तो श्याम बेनेगल ने डायरेक्ट किया था। नेक्स्ट, द क्रीमियन वॉर इन 1854 टू 1856 वाज फॉट बिटवीन, 1854 से लेकर 1856 में क्रीमिया युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, ए रशिया एंड टर्की, बी यूएसए एंड इंग्लैंड, सी रशिया एंड जापान, या डी इंग्लैंड एंड फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर है ए रशिया एंड टर्की। तो ये जो क्रीमियन वॉर था, जिसे कहते हैं ईस्टर्न वॉर भी, ये मेनली ये क्रीमियन पेनिनसुला के अंदर रशिया के बीच में और साथ में ब्रिटिश, फ्रेंच एंड ऑटोमन, टर्किश एंड सर्दिनिया, इनके बीच में मतलब कि लड़ा गया था। इसका इमीडिएट कॉज था ये क्रिश्चियन माइनॉरिटीज जो थी इस पवित्र भूमि में, उनके राइट्स के लिए, क्योंकि ये ऑटोमन एम्पायर के, जो कि ऑटोमन एम्पायर कंट्रोल करता था। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द कलर्स यूज्ड इन द पेंटिंग्स एट अजंता वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंपोर्टेड लैपिस लाजुली, अजंता के चित्रों में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा रंग आयातित राजवर्त से प्राप्त किया गया है, ए रेड, बी ग्रीन, सी येलो, डी ब्लू। अब इनको मत कहना कि सर हिंदी में बोल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी ब्लू है आपका। ये जो लैपिस लजुली होता है, ये डी ब्लू, ये मेटामॉर्फिक कायांतरित पत्थर, मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है वो होता है, और ये सेमी प्रीशियस स्टोन की तरह यूज लिया जाता था, क्योंकि इसके जो डार्क इंटेंस ब्लू कलर था वो बहुत सुंदर लगता था। तो ये काफी पुराने टाइम से ये सेमी प्रीशियस, प्रीशियस नहीं कहेंगे, सेमी प्रीशियस, प्रीशियस तो डायमंड जैसा हो गया, रूबी हो गए, वो हो गया, ये सेमी प्रीशियस स्टोन था। अच्छा, मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन से होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं जो कि आपके कायांतरित, जिनका की स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, कोई प्रीवियस वो रॉक्स, चाहे प्रीवियसली मेटामॉर्फिक रॉक्स भी हो सकते हैं, प्रीवियसली इग्नियस रॉक्स भी हो सकते हैं, प्रीवियसली सेडिमेंटरी रॉक्स भी हो सकते हैं, कोई से भी हो सकते हैं, जिनका ये कायांतरण हो जाता है, मेटामॉर्फिसिस हो जाएगा, वो आपके मेटामॉर्फिक रॉक हो जाता है अंडर हीट एंड ऑल दैट। ठीक है, नेक्स्ट, टाओइज्म इज एन एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ फिलोसॉफी एंड रिलीजियस बिलीफ डीपली रूटेड इन, टाओ धर्म दर्शन तथा धार्मिक आस्था की एक प्राचीन परंपरा है जिसकी जड़ें कहां पे निहित हैं, ए ताइवानीज कस्टम एंड वर्ल्ड व्यू, ताइवानी रिवाज तथा विश्व दृष्टि, बी चाइनीज कस्टम एंड वर्ल्ड व्यू, चीनी रिवाज तथा विश्व दृष्टि, सी जापानीज कस्टम एंड वर्ल्ड व्यू, जापानी रिवाज तथा विश्व दृष्टि, या डी वियतनामीज कस्टम एंड वर्ल्ड व्यू, वियतनामी रिवाज तथा विश्व दृष्टि। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाइनीज कस्टम एंड वर्ल्ड व्यू। तो ताओइज्म जो है ये एंशियंट ये फिलोसॉफी है जो कि चाइना के अंदर आपको पाई जाती है, और ये टाविस्ट आइडियाज ये पॉपुलर हुए थे थ्रू आउट द वर्ल्ड थ्रू ताए चिन चुआन क्विंगों और भी कई सारी जो मार्शल आर्ट्स हैं, ये मार्शल आर्ट्स के नाम है ताए चिन चुआन क्विंगों, आपने तो क्या कराटे कुंग फू के नाम ही सुने होते हैं, जुडो कराटे कुंग फू, ये भी आपके मार्शल आर्ट्स है। तो इन मार्शल आर्ट्स ने ताओइज्म को पॉपुलर किया। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म टिन्स ए कमिल कंसर्निंग क्रॉप्स इन मुगल इंडिया, मुगल भारत में फसलों से संबंधित शब्द जीन्स ए कामिल का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है, ए क्रॉप ग्रोन इन द एरिड शुष्क क्षेत्र में उगाई गई फसलें, बी पैडी क्रॉप धान की फसल, सी कैश क्रॉप नकदी फसल, या डी कोर्स क्रॉप मोटी फसलें। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कैश क्रॉप। ये जो कैश क्रॉप है इसको कहा जाता था टिन से कामिल या जिन से अल्ला। ठीक है, ये कैश क्रॉप्स कौन सी होती हैं, वो क्रॉप्स होती हैं जो कि अगर कोई भी फार्मर अपने प्रॉफिट के लिए उगाता है, एक तो होगी कि वो खुद के कंजम्पशन के लिए उगाएगा कि खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, खुद के कैटल के लिए, एक होता है जो वो बेचने के लिए लगाएगा, कॉमर्शियल यूज के लिए उगाएगा, तो वो होते हैं आपके कैश क्रॉप्स। ओपियम वॉर वर फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड अफीम युद्ध ब्रिटिश तथा किसके बीच में लड़ा गया था, ए चाइना, बी भूटान, सी म्यांमार, डी अफगानिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाइना। ये ओपियम वॉर इसके अंदर क्या है, चाइना के ऐसे दो आर्म्ड कंफ्लिक्ट्स हुए थे मिड 19th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, चाइना के बीच में और ये वेस्टर्न कंट्रीज के बीच के अंदर। ठीक है, तो चाइना उस टाइम में चाइना पे रूल कर रही थी क्विंग डायनेस्टी। कल क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि ओपियम वॉर्स की ड्यूरिंग चाइना पे कौन रूल कर रहा था, तो आपका आंसर होगा किंग डायनेस्टी, क्विंग नहीं किंग, यूनी लगाओ, किंग डायनेस्टी ये रूल कर रही थी। तो ये जो ओपियम वॉर, फर्स्ट ओपियम वॉर हुआ था 1839 से 1842 तक, और आपका सेकंड ओपियम वॉर हुआ था 1856 से 1860 तक। फर्स्ट ओपियम वॉर के अंदर चाइना और ब्रिटेन थे, लेकिन सेकंड जो ओपियम वॉर था इसको कहा जाता है एरो वॉर भी कहा जाता है,
ठीक है, कल को अगर आपसे पूछा जाए विच वॉर इज नॉन एज एरो वॉर, तो आपका आंसर होगा सेकेंड ओपियम वॉर। ये इसके अंदर क्या था कि एंग्लो फ्रेंच वॉर था चाइना के अंदर, मतलब कि ये ब्रिटेन और फ्रांस दोनों लड़े थे चाइना के अगेंस्ट, और इन दोनों युद्ध के अंदर जो भी फॉरेन पावर्स थी ये विक्टोरियस रही थी, और इनको फिर कॉमर्शियल प्रिविलेजेस वहां पे मिले थे चाइना के अंदर। नेक्स्ट, एट पुहार और कावेरी पट्टनम अ ग्रेट फेस्टिवल डिस्क्राइब्ड विविडली बाय संगम एपिक वॉज हेल्ड इन ऑनर ऑफ लॉर्ड। महान त्योहार पुहर या कावेरी पट्टनम, जिसका संगम काव्य में जीवंत वर्णन किया गया, किस भगवान के सम्मान में मनाया जाता था? ए मुरुगन, बी सर्वमिलाई, सी वेंकटेश्वर या डी इंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर, देखिए जो आपको ऑड वन आउट लग रहा है वही है इंद्र, बाकी अपने यहाँ पे नॉर्थ के नहीं लग रहे आपको नाम्स, नेम्स, नॉट नाम्स, नेम्स, लेकिन वो नहीं है आपका आंसर, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंदिरा। नेक्स्ट, जैपनीज फोक ट्रेडिशन एंड रिचुअल विद नो फाउंडर और सिंगल सैक्रेड स्क्रिप्चर इज पॉपुलरली नॉन एज। जापानी लोक परंपरा तथा रीति रिवाज जिसका कोई संस्थापक या एकल पवित्र ग्रंथ नहीं है, उसका लोकप्रिय नाम क्या है? ए टाओइज्म, बी जोरास्ट्रियनिज्म, सी शिंटोइज्म या डी पैगेनिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी शिंटोइज्म। जो शिंटोइज्म है इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी सिंगल स्क्रिप्चर नहीं है, कोई भी सिंगल फाउंडर नहीं है, ये जैसे अपने हिंदुइज्म के अंदर भी कोई भी सिंगल सैक्रेड स्क्रिप्चर नहीं है, कोई भी इसका फाउंडर नहीं मिलेगा आपको, तो वो है। और इसके अंदर जो भी प्रैक्टिसेस है ये काफी ज्यादा ये मेहनत डिलीजेंटली गौर के साथ ये मतलब फॉलो की जाती हैं, ताकि, और इसके अंदर क्या है कि शिंटोइज्म आपका जापान का लार्जेस्ट रिलीजन है, 80% जापानीज पॉपुलेशन इस रिलीजन को फॉलो करती है। द सेलेंट फीचर ऑफ ऋग्वेदिक रिलीजन वॉज, ऋग्वेदिक धर्म की मुख्य विशेषता क्या थी? ए वर्शिप ऑफ नेचर, बी वर्शिप ऑफ त्रिमूर्ति, सी वर्शिप ऑफ पशुपति या डी वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस। तो आपको ध्यान है इनिशियल वीडियोस के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिशेस द ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बिटवीन द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड द ऋग्वेदिक कल्चर। ठीक है, तो वो आंसर था आपका वर्शिप ऑफ नेचर, तो यहां पे वर्शिप ऑफ नेचर ही आपका करेक्ट आंसर है। ऋग्वेद के अंदर आप नेचर की वर्शिप करते होते हैं, जो आपके भगवान वगैरह हैं ये पुरानी कल्चर में आए थे। नेक्स्ट, मार्क्स बिलोंग्ड टू, मार्क्स कहां के थे? कार्ल मार्क्स आपके थे, देखें, ए जर्मनी, बी रशिया, सी फ्रांस, डी चाइना। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। कार्ल मार्क्स थे आपके जर्मन फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, जर्नलिस्ट एंड रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट। ठीक है, इन्होंने मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी दी थी, ठीक है, कम्युनिज्म की मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी। और इन्होंने बुक्स कौन कौन सी लिखी थी मेन? एक तो डैश कैपिटल, दास कैपिटल, और दूसरी इनकी थी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये दोनों इनकी लिखी गई बुक्स थी कार्ल मार्क्स की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स वॉज अ वेल नोन सेंटर फॉर हायर एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उच्च शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था? ए शो टेम्पल एट महाबलीपुरम, महामल्लपुरम भी कहते हैं जिसको, बी दशावतर टेम्पल एट देवगढ़, सी त्रयपुरुष टेम्पल एट सलोतगी या डी ससुबाहु टेम्पल एट ग्वालियर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी त्रयपुरुष टेम्पल एट सलोतगी, सलोतगी, सॉरी सलोतगी। नेक्स्ट, द चीफ एडवोकेट ऑफ फासिज्म वॉज, फासीवाद का मुख्य समर्थक था? ए मुसलोनी, बी एडोल्फ हिटलर, सी सेंट साइमन या डी रॉबर्ट ओवन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, तो हिटलर नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है आपका इटालियन फासिज्म का जो मेन चीफ था मुसलिनी, वो मुसलिनी मतलब फासिस्ट था। और नेहरू जी जब इधर वर्ल्ड टूर पे थे तो नेहरू जी ने मुसलिनी से हाथ मिलाने से भी मना कर दिया था, मिलने से मना कर दिया था। तो ये मुसलिनी था, ही वॉज द लीडर ऑफ द जो ये इटालियन फासिस्ट पार्टी, इसने ही लिखा था आपका फैसिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि आपका 1921 के अंदर पब्लिश हुआ था। इसने रूल किया था 1922 से लेकर 1943 पे, 1943 पे इसको फिर हटा दिया गया था मुसलिनी को। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमीशन वॉज सेटअप टू इन्वेस्टिगेट द जलियांवाला बाग मैसेकर? जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच करने के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया था?
ए हंटर, बी बटलर, सी सैडलर, डी कैम्पबेल। तो आपको पता है ये हंटर कमीशन ही था। हंटर कमीशन आपको ध्यान है, एक एजुकेशन का भी था वो वाला, ये हंटर कमीशन नहीं है। जलियांवाला बाग के लिए भी एक हंटर कमीशन हुआ था जो कि कंस्टिट्यूट हुआ था 29 अक्टूबर 1919। आपसे पूरी डेट ना पूछे तो कम से कम 1919 तो आपको याद रखना ही रखना है हंटर कमीशन का। इसके कमिटी के हेड थे लॉर्ड विलियम हंटर, ये आप कह सकता है क्वेश्चन। ठीक है, इसने टेस्टिमोनी ली 46 डेज तक। हुज टीचिंग्स इंस्पायर्ड द फ्रेंच रेवल्यूशन, किसकी शिक्षाएं फ्रांस की क्रांति की प्रेरणा बनी थी? ए लॉकी, बी रूसो, सी हेगल या डी प्लेटो। तो आप देखेंगे फ्रेंच जो रेवोल्यूशन था वो आपका रूसो से इंस्पायर्ड था। रूसो ये जेनेवियन फिलोसोफर थे, राइटर थे और कंपोजर थे, ये 18th सेंचुरी ये रोमांटिसिज्म ऑफ फ्रेंच एक्सप्रेशन के। ठीक है, तो इनकी फिलोसफी ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को काफी इंस्पायर किया था। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ था कि ये वॉर हुए थे एक डेकेड तक, 1789 से लेकर 1799 तक। वहां पे वॉर तो क्या कहें, एक तरीके से पॉलिटिकल अपहेवल हुआ था जो वहां पे, और फिर वहां की जो जो भी मोनार्की थी उसको हटा दिया गया था। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में मेनली आपको ध्यान होगा क्वीन मैरी एंटोनेट, ये काफी प्रसिद्ध है इनकी जो वो स्टेटमेंट, इफ दे डोंट हैव ब्रेड व्हाई डोंट दे ईट केक्स। वैसे ये इनको मिस एट्रीब्यूटेड है, ऐसा इन्होंने कहा नहीं था, लेकिन अब ये प्रचलन चल पड़ा है और औरतों को टारगेट करना काफी आसान भी रहा है हिस्टोरिकली इन दिस पैट्रियार्कल वर्ल्ड। सो ये था, बाद में इनको एग्जीक्यूट भी कर दिया गया था, क्वीन मैरी एंटोइनेट को, इनको सर इनका धड़ से अलग कर दिया गया था। तो ये था आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन रूसो से इंस्पायर्ड। नेक्स्ट, अरविंदो घोष बॉर्न इन द कैलकटा इन द ईयर, अरविंद घोष का जन्म कलकत्ता में किस वर्ष में हुआ? 15 अगस्त 1872, 15 अगस्त 1972, 29 अक्टूबर 1765, 25 सितंबर 1860। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 15 अगस्त 1872। ठीक है, और महर्षि अरविंद घोष के बारे में अपने काफी कुछ पढ़ चुके हैं तो मेरे ख्याल से इनके बारे में और बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, विच टू कंट्रीज वर इन्वॉल्व इन द 100 ईयर्स ऑफ वॉर, 100 वर्षों के युद्ध में से कौन से दो देश शामिल थे? ए टर्की एंड ऑस्ट्रिया, बी इंग्लैंड एंड फ्रांस, सी पैलेस्टीन एंड इजराइल या डी जर्मनी एंड रशिया। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड एंड फ्रांस। आपके ये जो इंग्लैंड एंड फ्रांस 1337 से लेकर 1453 तक इनका ये चला था काफी, ये कंफ्लिक्ट किस लिए चला था? फ्रेंच के ऊपर राज करने के लिए जो था, इस चीज के लिए आपका ये चला था फ्रांस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, इन मेडिवल इंडिया द डेजिग्नेशंस महत्तर एंड पटकाली पटकिला वर यूज्ड फॉर, मध्यकालीन युद्ध में महत्तर तथा पटकिल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होते थे? ए मिलिट्री ऑफिसर, सैन्य अधिकारी, बी स्पेशलिस्ट इन वैदिक रिचुअल्स वैदिक रिवाजों के विशेषज्ञ, सी चीफ्स ऑफ क्राफ्ट गाइड्स दस्तकारों की बिरादरी के प्रमुख या डी विलेज हेडमैन ग्राम का प्रमुख। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका विलेज हेडमैन ग्राम के प्रमुख के लिए ये यूज होते थे। नेक्स्ट, वाटरलू इज लोकेटेड इन, वाटरलू कहां स्थित है? ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी स्पेन, डी बेल्जियम। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बेल्जियम। आपका वाटरलू की लड़ाई याद है, मीट वंस वाटरलू इडियम मैंने बताया था कैसे आई थी। तो वाटरलू का युद्ध जो हुआ था वो आपका 18 जून 1815 के वाटरलू प्रेजेंट ले डे बेल्जियम के अंदर, और उस टाइम ये पार्ट था यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था, ये नेपोलियन बोनापार्ट ने आर्मी जो अपनी लीड की थी वो कोलेशन जो हुआ था एलाइड आर्मी का, एंग्लो एलाइड आर्मी, उससे ये हार गए थे नेपोलियन की, यहाँ पे बुरी तरह हार हुई थी। आपको दो मेन युद्ध नेपोलियन ने हारे थे, एक तो रशिया के अंदर जिसके ऊपर की लियो टॉल्स्टॉय के वो वॉर एंड पीस के अंदर जिसका जिक्र है, और दूसरा ये है वाटरलू। वाटरलू डिसाइसिव बैटल था नेपोलियन का क्योंकि ये इनका लास्ट युद्ध था, इसके बाद नेपोलियन को एग्जाइल में भेज दिया गया था 1815 में, ये हार गए। 6 साल बाद 1821 में नेपोलियन के एग्जाइल के अंदर डेथ हो गई थी। नेक्स्ट, द पर्सनैलिटी हु इज नॉट कनेक्टेड विद 1857 म्यूटिनी इज, वह व्यक्ति कौन है जो इनका 1857 की क्रांति से नहीं जुड़े हुए थे? ए रानी लक्ष्मीबाई, बी नाना साहेब, सी सिराजुद्दौला या डी टांटिया टोपे। तो आपको ध्यान है सिराजुद्दौला तो आपके 1857 नहीं 1757 के अंदर जुड़े हुए थे। चलें नेक्स्ट, When did Soviet Union disintegrate into 15 independent republics? सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणराज्यों में विघटन कब हुआ था?
ए 1990, बी 1991, सी 1992, डी 1993। तो ये आपका था बी 1991 के अंदर सोवियत यूनियन, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, यूएसएसआर आपका, ये जिसे हम सोवियत यूनियन भी कह देते हैं, ये 1922 के अंदर आपका बना था और 1991 तक चला था। इस पे कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती थी, कम्युनिस्ट रूल है मतलब ये डेमोक्रेसी तो था ही नहीं, एक टोटलिटेरियन ऑथोरिटेरियन रजीम थी। 25 दिसंबर 1991 को ये ऑफिशियली डिसइंटीग्रेट हो गया था, उस टाइम गर्बेचॉव इसके लीडर थे जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है। तो यूएसएसआर था मेन, जो कम्युनिज्म का फेल होने का जो मेन इंसिडेंट था ना, वो था आपका जो ये बर्लिन वॉल जो गिरी थी ना, वो मेन था। वैसे जो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को जो डिवाइड करती थी बर्लिन वॉल, बाकी यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तब तो कम्युनिज्म बिल्कुल खत्म ही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंशियंट इंडियन वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वॉज प्रिवेलेंट फ्रॉम 300 BC टू AD 300 एंड मोस्ट ऑफ अशोकाज एडिक्ट्स इन द वेस्टर्न मोस्ट एरिया वर एग्जीक्यूटेड इन इट। प्राचीन भारत की निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी तथा 300 ईसा पूर्व से 300वीं ईस्वी शताब्दी तक प्रचलित रही एवं सुदूर पश्चिमी इलाकों में अशोक के अधिकांश शिलालेखों में इसी लिपि का प्रयोग किया गया है? ए खरोष्टी, बी नंदनगरी, सी ब्रह्मी या डी शारदा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए खरोष्टी, खरोष्टी लिपि। हु इज डचेस ऑफ कॉर्नवॉल, कॉर्नवॉल की रानी कौन है? ए डायना, बी कैमिला, सी एन या डी मार्गरेट। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी कैमिला। ये आपके प्रिंस चार्ल्स की करंट वाइफ है, सेकंड वाइफ है, प्रिंस चार्ल्स की फर्स्ट वाइफ थी प्रिंसेस डायना, ये काफी पॉपुलर थी हमें सबको ध्यान है। तो ये डचेस ऑफ कॉर्नवॉल है, ये प्रिंस चार्ल्स की, मैंने जैसा कि बताया वो वाइफ है। नेक्स्ट, हु हेडेड द 19th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी सर हेनरी कॉटन, सी लाल मोहन घोष या डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो अब ये मुझे भी नहीं पता ये क्वेश्चन किस लिए दिया गया प्रीवियस ईयर के अंदर, टू बी ऑनेस्ट, पर दिया हुआ है तो बता देता हूं मैं। इसका आंसर है आपका सी लाल मोहन घोष, ये 1903 के अंदर हुआ था 19th सेशन। पता नहीं क्या है, मेरे को कोई सिग्निफिकेंट ऐसा कुछ मिला नहीं जिसके लिए पूछा जाए, फिर भी पूछा है तो मैंने करवा दिया। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज रेफर टू एज डेजर्ट फॉक्स, निम्नलिखित में से किसे रेगिस्तान की लोमड़ी के रूप में संदर्भित किया जाता है? ए लॉर्ड वेवल, बी जनरल एजनहोवर, सी जनरल रोमेल या डी जनरल मैक आर्थर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी जनरल रोमेल। तो ये जनरल रोमेल थे ये जर्मन फील्ड मार्शल थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर, ठीक है। इन्होंने अपने जो एज अ कमांडर अपने आप को डिस्टिंग्विश किया वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर, इन्होंने जो किसको लीड किया था, जर्मन एंड इटालियन फोर्सेस को लीड किया था नॉर्थ अफ्रीकन कैंपेन के अंदर, वहां पे इनको फिर डेजर्ट फॉक्स इसलिए बुलाया जाने लगा क्योंकि ये काफी स्किल्ड कमांडर थे डेजर्ट वॉरफेयर के, डेजर्ट वॉरफेयर के एक्सपर्ट थे इसलिए डेजर्ट फॉक्स नाम दे दिया। नेक्स्ट, अ गुड कंटेम्प्रेरी अकाउंट ऑफ द ट्रेड बिटवीन तमिल स्टेट ऑफ द संगम एज एंड ग्रीस एंड रोम हैज बीन गिवन इन। संगम काल के तमिल राज्य तथा ग्रीस और रोम के बीच व्यापार का एक अच्छा समकालीन वृतांत किसमें दिया गया है? ए टॉलमेज ज्योग्राफी, टॉलमे का भूगोल, बी पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ठीक है हिंदी में एज इट इज ट्रांसलेट किया हुआ है, वेरी गुड। सी द संगम वर्क, पटिनल पलाई, संगम रचना पटिन पलाई या डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है आपका पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक ग्रेको रोमन ये पेरिप्लस है जिसको कि लिखा गया है कौन सी लैंग्वेज में, कोइन ग्रीक के अंदर। ये बताता है आपका ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ये रोमन इजिप्टियन पोर्ट से कहां तक, रेड सी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, पर्शियन गल्फ, अरेबियन सी और इंडियन ओशन में इंक्लूडिंग आपका मॉडर्न डे सिंध रीजन और साउथ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। इनके साथ जो आपके ये रोमन इजिप्टियन पोर्ट्स के जो ट्रेड जो अपॉर्चुनिटीज थी उसका इस पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी के अंदर जिक्र है। अच्छा, पेरिप्लस क्या होता है ये वर्ड, पेरिप्लस इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। पेरिप्लस एक मैन्यूस्क्रिप्ट यानी हस्तलेख डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आपके पोर्ट्स और कोस्टल लैंडमार्क लिखे होते हैं जिसके
और अप्रोक्सीमेटिंग ये इंटरवीनिंग डिस्टेंसेस इसके बीच में लिखे होते हैं ताकि कोई भी वैसल का, कोई भी जहाज का जो कैप्टन है उसको ये पता रहे कि रास्ते में उसको कहाँ पे ये शोर मिल सकता है, ठीक है, किनारा कहाँ पे मिल सकता है, ये क्या क्या चीज मिल सकती है अलोंग द शोर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ थिंकर्स इन्फ्लुएंस्ड फासिज्म, निम्नलिखित में से किस समूह के विचारक ने फासीवाद को प्रभावित किया? ए प्लेटो, मैकियावेली एंड हर्बर्ट स्पेंसर, बी एरिस्टोटल, सेंट ऑगस्टीन एंड टी एच ग्रीन, सी कैंट, फिच, हेगल एंड रोजनबर्ग, या डी कार्ल मार्क्स, एंगेल्स एंड लेनिन। तो देखिए डी ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो कम्युनिस्ट थे। अच्छा, प्लेटो को अपने क्या कहते हैं? प्लेटो को अपने कहते हैं अफलातून, हिंदी में अपने अफलातून कहा जाता है, अरस्तु एरिस्टोटल से ही इन्होंने ट्रांसलेट किया है। आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है प्लेटो, मैकियावेली एंड हर्बर्ट स्पेंसर, ए ऑप्शन। प्लेटो ने आपकी बुक ये लिखी थी कौन सी, द रिपब्लिक, तो इसके अंदर इन्होंने एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड अथॉरिटी ये बनाने की कोशिश की थी एक फिलोसोफर किंग की इन एन आइडियल स्टेट, काफी आइडियलाइज इन्होंने कर दिया, तो एब्सोल्यूट अथॉरिटी की बात की तो एब्सोल्यूट अथॉरिटी से ये इन्फ्लुएंस हुए। दूसरा मैकियावेली तो खैर जितना कम कहें उतना ही, मतलब जितना कहें उतना ही कम है, इट इज वन ऑफ द डार्क ट्राइड्स मैकियावेलियनिज्म, तो ये मैकियावेली बहुत ही क्रूर किताब लिखी द प्रिंस मैकियावेली ने, जैसे यहाँ पे अपने चाणक्य ने लिखी अर्थशास्त्र, तो वो थे मैकियावेली की एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ स्टेट, उसने इंस्पायर किया। और स्पेंसर ने ये दी थी आपकी कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ने सेंसर को, स्पेंसर ने कहा कि एवोल्यूशन से आपके ह्यूमंस की प्रोग्रेस होती है, डेवलपमेंट होता है, तो ये एवोल्यूशन के काफी मतलब एंथुसियास्टिक प्रोपोनेंट थे, तो इस चीज ने इसको इनको इंस्पायर किया था। और एवोल्यूशन इन्होंने डार्विन से पहले ही लिखना शुरू कर दिया था एवोल्यूशन के बारे में स्पेंसर ने। तो आपका करेक्ट आंसर है प्लेटो, मैकियावेली एंड हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट, द मेडिवल इंडियन राइटर हु रेफर्स टू द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका इज, वह मध्यकालीन भारतीय लेखक कौन है जिन्होंने अमेरिका की खोज को संदर्भित किया था? ए अमीर खुसरो, बी रक्षान, सी अबुल फजल, या डी मलिक मोहम्मद जैसी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी अबुल फजल, मलिक मोहम्मद जैसी ने आपको ध्यान पद्मावत लिखी थी। नेक्स्ट, विद द फॉल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग द फ्रेंच रेवल्यूशन बिगन, निम्नलिखित में से किसके पतन के साथ ही फ्रांस की क्रांति शुरू हो गई थी? ए बैस्टिल, डी कम्युनेस, सी जैकोबिन क्लब, या डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बैस्टिल, बैस्टिल जो भी कहें आप। तो ये बैस्टिल जो था ये फोर्ट्रेस था पेरिस के अंदर, और ये मोस्ट हेटेड सिंबल था आपके वहां की मोनार्की का, और ये एज अ प्रिजन यूज किया जाता था। हालांकि जब ये 1789, 14 जुलाई 1789 में जब इसके अंदर रेवोल्यूशनरीज आए और इसको मतलब कि इसको ऊपर कैप्चर कर लिया, तब वहां पे खाली 7 प्रिजनर्स ही थे, लेकिन स्टिल इट बिकेम अ फ्लैश पॉइंट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग बेलग्राम समिट ऑफ कांग्रेस इन 1924? 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए के एल नेहरू, बी चारू मजूमदार, सी जे एल नेहरू, या डी एम के गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहनदास गांधी, महात्मा गांधी। आपको ध्यान है एक ही ऐसा सेशन था जिसको कि महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया था, वो था आपका 1924 का बेलगाम सेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, द आइलैंड ऑफ क्रोसिका इज एसोसिएटेड विद, कॉर्सिका द्वीप किससे संबंधित है? ए मुसोलिनी, बी हिटलर, सी नेपोलियन बोनापार्ट, या डी विंस्टन चर्चिल। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नेपोलियन बोनापार्ट। ये एक फ्रेंच आइलैंड है मेडिटेरेनियन सी के अंदर, ये इटली के वेस्ट के अंदर है और साउथ ईस्ट में है फ्रेंच मेनलैंड के, और यहां पे आपका जन्म हुआ था किसका? नेपोलियन बोनापार्ट का 1769 के अंदर। तो इसके साथ ही आपके 50 क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, आज की क्लास इसको यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।